आर्क्स इलेक्ट्रिकेट के फाइनल सेक्शन की अब आंसर्स देने की बारी आ गई है और सबसे इंपॉर्टेंटली ये दो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन दोनों को हमने यहाँ पर एक साथ ही इस वीडियो में इंक्लूड किया और इसी के साथ आर्क्स इलेक्ट्रिकेट का ये वाला सेक्शन जो है वो फाइनली अब कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो जो विश्वास भंडारी है उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके तीन चार अलग अलग पहलू हैं उस क्वेश्चन के, तो लेकिन क्वेश्चन बहुत दमदार थे इसीलिए हमने सोचा कि इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए तब जाकर उसमें आपको बेहतर एग्जाम चीज़ों को समझा पाएंगे। अगर एक वीडियो में करते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। अब यहाँ अगर सबसे पहले सेक्शन की यहाँ बात की जाए यार तो विश्वास भंडारी की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया उनने जो पहला उनका सेक्शन था उसमें पहला क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर अगर आप दें तो बेहतर हो। नहीं जरूर, देखिए जो पहला जो उन्होंने सवाल पूछा उसमें से ये था कि ज्ञानेंद्र मल्ला को अगर लिया जाता है प्रैक्टिस मैचेस से उन्हें खिलाया जाता है और फिर भीम शार्की की जगह पर अगर उन्हें लिया जाए और क्योंकि उनके पास 2018 का क्वालिफायर इवेंट का एक्सपीरियंस भी है तो कैसा होगा भीम शार्की की जगह। तो देखिए ये एक तरीके से प्रैक्टिस आपको शुरू करानी होगी ज्ञानेंद्र मल्ला को जब से आप साउथ अफ्रीका में उतरेंगे। एक्चुअली में होना तो ये चाहिए था कि साउथ अफ्रीका जाने से पहले पहले अगर एक अच्छा यहाँ पर ही कुछ प्रिपरेशन और बेहतर होती, कुछ और मैचेस यहाँ खिलाए जाते और ज़्यादा उनको भी इंक्लूड किया जाता ज्ञानेंद्र मल्ला को यहीं पर यहीं रख कर डायरेक्ट साउथ अफ्रीका में नहीं, वो बहुत ही एक बोल्ड स्टेप होगा। हम दिल्ली क्रिकेट कहीं ना कहीं कहेगा कि साउथ अफ्रीका में जाकर एक ऐसे प्लेयर जो फॉर्म में चल रहे हैं भीम शार्की को उसकी जगह पर ज्ञानेंद्र मल्ला को प्रैक्टिस मैचेस में खिलाना ये थोड़ा सा बोल्ड फैसला है। लेकिन अगर आप खिलाना चाहते हैं तो ज़रूर हर एक प्रैक्टिस मैच में जितने भी अगर नेपाल जो प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा क्वालिफायर से ठीक पहले पहले तक उन सब में ज्ञानेंद्र और भीम दोनों को मौका देकर देखना चाहिए और दोनों कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्या करते हैं, रन्स कैसे कर रहे हैं, विकेट पे दौड़ कैसा रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट क्या है, जो बेहतर करेगा ज़रूर ज्ञानेंद्र मल्ला अगर करते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। कि कोई हाई वोल्टेज मैच है कहीं पर उनकी ज़रूरत है तो ज़रूर एक वहाँ पर उनको देखा जा सकता है मौका मिलना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे पूरे टूर्नामेंट के लिए क्या ज्ञानेंद्र मल्ला होने चाहिए तो सॉरी ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखता क्योंकि भीम शार्की ने भी भाई परफॉर्म करके दिखाया है, खाली बैठे हैं और ऐसे ही आ गए ऐसे तो वो भी नहीं है, उनको भी कोई रीज़न चाहिए ना कि बाहर करने का, आखिर उन्हें बाहर क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने सही कहा कि रीजंस होने बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो रीजंस के साथ निकालने होंगे। फिलहाल तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने बताया कि अब से लेकर जितने भी मैचेस नेपाल जो खेलेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर से ठीक पहले पहले 18 जून से पहले पहले वहाँ पर जितने भी मैचेस आप खेलेंगे वहाँ पर दोनों को प्लेइंग 11 में हर हाल में मौजूद होने चाहिए। हर मैच में प्लेइंग 11 में दोनों हर हाल में होने चाहिए, भीम भी और ज्ञानेंद्र भी। उसके बाद जैसे परफॉर्मेंस निकलती है और आउट होने के तरीकों पर भी ध्यान देना, बिल्कुल सिर्फ ये नहीं कि वो 10-12 रन पर आउट हो जाए, आउट होने के तरीकों पर भी ध्यान, किस तरह से वो आउट हो रहे हैं, बॉलर्स को क्रेडिट ज़्यादा जाता है या बैट्समैन खुद ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ये सब चीज़ देखनी होंगी। और फिर उसके बाद जो सबसे बेहतर करता हुआ नजर आएगा उसे आप टीम में जरूर रखिए, लेकिन हाँ स्क्वाड में ये जरूर जाने चाहिए, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। तो ये एक सेक्शन हो सकता है कि आप सारे प्रैक्टिस मैचेस में ज्ञानेंद्र मल्ला को खिलाकर उन्हें मौका जरूर दें, उसके बाद फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको प्लेइंग 11 में कितने लेना है या नहीं। लेकिन डेफिनेटली अब डेफिनेटली चाहेगा कि आपके जो इन फॉर्म बैट्समैन है आप उनके साथ फिलहाल जरूर जाइए। स्क्वाड की बात अलग है लेकिन प्लेइंग 11 में बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद उनका अगला सवाल था कि बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर के बारे में कि दिवेंद्र सिंह एरी जो कि एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन तो है ही, फील्डर भी बेहतरीन है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा उनका टच जो है वो काफ़ी लंबे वक्त से, अभी ऐसे नहीं कि आप थोड़ा अभी के वक्त से, काफ़ी वक्त से उनके बैटमैन से रन जो है वो निकल नहीं रहे। वहीं पर दूसरा ऑप्शन है गुलशन झा, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम पर जुड़े हुए, तो इन दोनों में से किसको लेना चाहिए। यहाँ पर भी हम वही चीज़ कहेंगे कि अब से लेकर लास्ट तक जितने प्रैक्टिस मैचेस होने हैं साउथ अफ्रीका में वहाँ पर डेफिनेटली आपको वापस से इन दोनों को भी वहाँ पर लेना है। यानी क्लियरली है कि प्लेइंग 11 में ये चार प्लेयर आपको लेने ही लेने, क्योंकि आप प्रैक्टिस मैचेस खेल किस लिए रहे हैं, एक तो आप कंडीशन को ढलने के लिए खेल रहे हैं, ऊपर से आपको उन कंडीशंस के लिहाज से प्लेइंग 11 किस तरह से हो सकती है उसका 70-80% ब्लूप्रिंट जो है वो इन्हीं मैचेस के थ्रू मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से प्लेइंग 11 लगभग खिलानी है। तो इसीलिए ये चार प्लेयर्स मार रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा एट द एंड रिजल्ट, जो परफॉर्म करेगा वो इन, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो आउट, स्क्वाड में रहेगा लेकिन प्लेइंग 11 से आउट होंगे, फिर उसके हिसाब से चीज़ों के हिसाब से अपने आप बदलने की जरूरत हो जाएगी। और साथ साथ में गुलशन झा जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये एक ऑप्शन और ज़्यादा ओपोनेंट टीम को दिक्कत भी करता है, डेफिनेटली उनकी बॉलिंग में बहुत हॉरिबल लाइन उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर बैटिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं हम तो बैटिंग उन पर उनकी ज़्यादा हो, बॉलिंग में थोड़ा बहुत हेल्प कर दे तो चल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर गुलशन एक एडवांटेज जरूर यहाँ रखते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और इस चीज़ से
लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है उसे मेंटेन रखने में टीम को जो है काफ़ी मदद मिलेगी। एक कुशल मल्ला वहाँ पर ऑन में होंगे, एक वो लेफ्टी हो जाएंगे, एक गुलशन जाबी हो जाएंगे, तो दो लेफ्टी हो जाएंगे और बाकी राइटीज हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे ओपनिंग टीम को दिक्कत होगी। वो बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस, इस चीज़ में कभी कभी जो गेम प्लान है सामने वाली टीम का वो इधर से उधर बढ़ता है, प्लान ए की जगह प्लान बी की तरफ उन्हें बढ़ना पड़ता है, तो ये एक एडवांटेज जरूर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इन चार प्लेयर्स को एक भी प्रैक्टिस मैचेस 31 मई से लेकर 17 जून तक जितने भी मैचेस खेलेंगे नेपाल, चाहे वो प्रैक्टिस मैचेस हो, कोई वार्म अप हो, कुछ भी हो, इन चारों को हर हाल में आपको प्लेइंग 11 में लेना ही लेना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि एट द एंड आपको प्लेइंग 11 चुननी किस तरह की है। उसके बाद इनका एक और यहाँ पर क्वेश्चन था एंड वो था बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर। डेफिनेटली करण और सोमपाल जो है वो पेस अटैक को लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि थर्ड पेसर रेडी ही नहीं है, क्योंकि उस पर काम ही नहीं किया गया है। पुराने कोचों ने भी लापरवाही की, कप्तान संदीप ने भी लापरवाही की, और उससे पहले भी लापरवाही हुई है, और अभी जो है अभी फिलहाल भी हमने देखा नहीं कि थर्ड पेसर एक दो मैचों के लिए आए फिर उन्हें बाहर कर दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंटली थर्ड पेसर अभी रेडी है नहीं, उस पर काम हो नहीं रहा, तो डेफिनेटली फ्रंट लाइन पेसर जो है अभी करण सोमपाल है, साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लेकर उतरेंगे। लेकिन जो उन्हीं का सवाल था या उन्हीं का सवाल दोहरा रहे, उन्होंने कहा कि पावर प्ले में जो है विकेट्स बहुत कम निकल रहे हैं। जी हाँ, अभी कुवैत के खिलाफ एक आध मैच निकले, लेकिन आपको भी देखना होगा कि टीम्स कैसी थी, क्या थे, कंडीशंस कैसे थे, लेकिन यहाँ पर शुरुआती फेज में विकेट निकालना बहुत दिक्कत हो रहा है, कभी कभी विकेट निकल ही नहीं रहे। शुरू के 6-7 ओवर की बात कर रहे हैं हम, और अगर निकल रहे हैं तो एक निकल रहा है, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है, फिर संदीप या ललित आकर निकाल रहे हैं। उस वजह से डेथ ओवरों में या फिर मिड ओवर्स में अचानक से जब इनके ओवर रोकने पड़ते हैं, तब एक अच्छा खासा 70-80 रन लुटा टीम जो है लुटा देती है, ये यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस, बेहतरीन फुल मेंबर्स भी और टफ टीमें हैं, अवे कंडीशंस हैं। यहाँ पर आप सोचेंगे कि हाँ संदीप ललित ने अगर शुभमन विकेट गिरा दिए, चलो अपनी लम खींच लेंगे, वो बीच के फेज में मैच पूरा निकल जाए। जरूर इसको लेकर इस पे कैसे काम किया जा सकता है कि शुरू के फेज में विकेट्स कैसे निकाले। जरूर देखिए, ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है करण सोमपाल, और इनको मालूम है कि कहाँ किस लाइन में, और क्योंकि करना तो नहीं है, क्योंकि कोई और बॉलिंग ऑप्शन है नहीं, तैयारी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, गुलशन से नई बॉल डलवाना एक बैटिंग ऑलराउंडर से, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं, जितना भी क्रिकेट देखा है बॉलिंग ऑलराउंडर को नई बॉल से देख लिया है, पर बैटिंग ऑलराउंडर को नई बॉल से शुरुआत कराते हुए देखा तो नहीं है आज तक। तो ये क्रिस वोक्स वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, देखिए वो शुरुआत कराते हैं। बेन स्टोक्स को क्या आपने नई बॉल से देखा है कभी? ऐसा नहीं होता। तो नई बॉल से कोई एक बैटिंग ऑलराउंडर शुरुआत कराए, ये नहीं होता। हाँ, करण सोमपाल अलग है, करण कैसी बॉलिंग ऑलराउंडर में आ जाते हैं, तो यही दो बॉलर हैं कि शुरुआत कराएंगे, तो इनके ऊपर दारोमदार रहेगा जितना इनका एक्सपीरियंस है, कहाँ रखनी है। हाँ, दिक्कत एक चीज़ ज़रूर आएगी कि बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। जी हाँ, अब क्या है एक चीज़ और यहाँ दिक्कत है, क्योंकि हम वो पहले भी बता चुके हैं, जब ये आया ही था पहली बार न्यूज़ की टीमें साउथ अफ्रीका जा रही हैं। जी हाँ, ठीक है, आपने 5 प्रैक्टिस मैच खेले, करण सोमपाल ने प्रिटोरिया के हिसाब से अपनी तैयारी कर ली, ठीक है ना। अब प्रिटोरिया यानी कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका के जो मिजाज हैं वो अलग हैं, और जिम्बाब्वे के जो मिजाज हैं वो अलग हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो देखना होगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ कितना काम आता है, क्योंकि सामने एक तो टीम भी बहुत डिफरेंट है, टीम भी बहुत डिफिकल्ट है, ऊपर से आप तैयारी भी अलग सिचुएशन में कर रहे हैं, जहाँ पर बाउंसी पिचेस ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। दो ही जगह हैं जहाँ बाउंसी होती है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका, लेकिन आपने वो जगह चुनी है, और आप नहीं, काफ़ी टीमों ने वो जगह चुनी है प्रैक्टिस के लिए। थोड़ी सी हैरानी होती है, आखिर जिम्बाब्वे के कंडीशंस अलग हैं, साउथ अफ्रीका के अलग हैं। तो यहाँ पर अगर 5 मैचों में, अगर अंदाज़ा मैं कह रहा हूँ, 5 मैच अगर नेपाल खेलता है मान के चलिए साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर सेटल डाउन होना, फिर जिम्बाब्वे में जाके अलग तरीके से सेटल डाउन होने में थोड़ा सा फ़र्क तो नज़र आएगा। वहाँ पर अगर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखा दिया, क्योंकि कुछ रिदम में तो है नहीं, अगर हम दोनों की बात करें, जब टीमें सामने थोड़ी सी अपने लेवल की आ जाती है, नेपाल की नीचे लेवल की है तो ये हवा निकाल देते हैं, जैसे कुवैत के खिलाफ हमने देखा क्या हाल किया। लेकिन आपने वहीं देखिए मलेशिया ने भी फिर कैसे इनके अटैक को रोके रखा, कैसे करके मलेशिया ने इनको टैकल किया, और ओमान के खिलाफ भी मेरे ख्याल से जब शुरुआत के फेज में जितेंद्र कश्यप, जी हां काफी, तो ललित राजवंशी ने आकर जितेंद्र का विकेट निकाला था, बिल्कुल जी हां। तो ये जरूर है कि थोड़ा सा देखना होगा कि हमें यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहां पर है, अगर हम देखेंगे, क्योंकि उम्मीद जरूर है इनका एक्सपीरियंस से, हमें उम्मीद है कि शायद ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे आखिरी के 10 मैचों में, तो वो बड़ा एक डेंजर साइन नज़र आता है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि क्रिकेट प्रैक्टिकली का ही खेल है सारा। क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले क्या किया था भाई उसी को लेके पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा, सब
उसी दिन यानी कि उस डे में आप कैसी बॉलिंग करा रहे हैं, बस ये देखना है। उम्मीद होगी कि अच्छा करें, विकेट गिराएं, नई बॉल से थोड़ा मूवमेंट लाएं, थोड़ा देर तक स्विंग कराने का कोशिश करें, 8 ओवर 12 ओवर 13 ओवर तक अगर ये जाए। लेकिन देखिए कितने जल्दी बॉलर जो कप्तान है वो इन्हें हटा देते हैं जी, कितनी जल्दी हटा देते हैं, 4-5-6 ओवर में ही दम तोड़ देते हैं। क्यों? बॉल हिलती ही नहीं है, बॉल मूवमेंट ही नहीं लेती, 3-4 ओवर बॉल मूवमेंट लेना बंद हो जाती है। बिल्कुल, तो बस इसी फेस में एक्सपीरियंस की इस्तेमाल करनी, बस यही। क्योंकि जब बॉल मूवमेंट नहीं हो रही है तो कैप्टन को डेफिनेटली विकेट नहीं मिल रहे, तो वो दूसरे ऑप्शन के लिए जाएंगे। लेकिन यहीं पर आपको उनका भरोसा बनाए रखने के लिए अपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना और विकेट यहाँ पर निकालने, मिनिमम 2 विकेट तो आपको निकालने ही निकालने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि टीमें टफ है, तो ऐसा नहीं कि 4-5 विकेट आप लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि टीमें भी बहुत नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर मिनिमम 2 विकेट भी अगर आप पावर प्ले निकाल, लेकिन रन भी कम होने चाहिए, ये नहीं कि 80 रन पर 2 विकेट है, ये भी कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये देखने वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी, बस ये देखना होगा किस तरह से ये दोनों अर्ली फेस में विकेट निकाल पाते हैं। एंड अगर मूवमेंट भी ना मिले, ठीक है, तो फिर आप कौन से तरीके की बॉल प्रेफर करना चाहेंगे? अगर मूवमेंट नहीं मिलती है तो आपको क्या लगता है कि सोमपाल करण को एक कौन सा एक प्लान होगा जो जिम्बाब्वे कंडीशंस के हिसाब से आपको लगता है कि विकेट्स निकालने में कारगर साबित हो सकता है? नहीं, जरूर आपके साथ। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, मेरे दिमाग में इसका आंसर है और मुझे नहीं पता आपने अचानक से कैसे पूछा, लेकिन मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है, उसको खैर छोड़िए, वो मैं बहुत पुरानी बात है जो एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड है। वो इस कंडीशन में जहाँ मूवमेंट नहीं मिलती इतनी, सीम बॉलिंग बहुत काम आती है। सीम बॉलिंग बहुत काम की होती है। मोहम्मद शमी को देखिए, आप मोहम्मद शमी को आप किसी भी पिच पर ले आइए, मोहम्मद शमी डेंजर लगते हैं। ये डेंजर लगते ही हैं वो, क्यों? क्योंकि वो सीम बॉलिंग बहुत ज़्यादा कराते हैं, वो सीम बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं रहते कि बॉल का मूवमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप देखेंगे तो 30वें 35वें ओवर में मोहम्मद शमी अगर आए, जिन्होंने अच्छी तरह उनको देखा होगा, वो सीम मूवमेंट के साथ उनकी बॉल एंगल लेती है, और जब एंगल लेगी ना बॉल, तो बहुत डेंजरस बॉल हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट जो है वो या तो आउटमेंट शुरू में रहती है, ठीक है, वाइड बॉल में हम इतनी रिवर्सिंग होते हुए देखते नहीं है। तो इसका फायदा यही होगा कि अगर स्विंग नहीं मिल रही तो आप सीम पर आ जाइए। सीम पर मेरा मतलब है कि सीधा बॉल जो है वो सीम से पड़े, बिल्कुल एकदम ऐसे घूमती हुई आए, पूरा का पूरा एकदम क्लीन। और सीम तभी पड़ती है जब आपके लास्ट जो ऊपर की जो उंगली होती है वो बॉल के एकदम टच होके जाए। सीम बॉल तभी पड़ी जाती है जब आपका नाखून भी बॉल पर जाते जाते टच हो जाए, तभी सीम बॉल पड़ेगी। उसके अलावा सीम बॉल पड़ना बड़ी मुश्किल होती है। कि क्रॉस सीम मैंने देखा है, काफ़ी बॉलर क्रॉस सीम में आ जाते हैं बहुत जल्द, वो हार मान जाते हैं, इतना आसान होता नहीं है। स्विंग मूवमेंट खत्म हो जाए उसके बाद बॉलर अपना जज्बा कायम रखे, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर सीम बॉलिंग बहुत काम आती है, क्योंकि पढ़ के बाद वो एंगल लेती है, वो एंगल लेती है पढ़ने की, जैसे आपको दिखाया जाता है टीवी में, इतना डिग्री ये बॉल इतनी घूम गई, पढ़ने के बाद इतना डिग्री घूम गई। वो डिग्री क्यों घूमी? क्योंकि उस बॉल ने एंगल लिया है। पढ़ने के बाद वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीम बॉल थी जो पढ़ने के बाद एंगल ली, 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे बॉल लेती है और घूम जाती है, और बॉल बल्लेबाज जो है वो एकदम हक्का पक्का रह जाता है, या 30वें 35वें ओवर में खेल रहा हूँ या अचानक से कहाँ से बॉल आ गई, वो सीम बॉल होती है जो जिम्बाब्वे जैसे कंडीशनों में बहुत कारगर होती है। बिल्कुल, तो क्लियर कट है ओवरऑल कि डेफिनेटली अगर मूवमेंट शुरू में नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली सीम बॉलिंग का ऑप्शन जो है वो अप्लाई करना होगा करण और सोमपाल को। और उसके साथ साथ उन्होंने जितना भी क्रिकेट अभी तक खेला है उसका एक्सपीरियंस अगर कोई लगाने का वक्त आ गया है तो वो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उन्हें उसके एक्सपीरियंस को यूज़ करना है, सीम बॉलिंग को यूज़ करना है। और शुरुआत में अगर मूवमेंट मिल रही है तो फिर बात ही क्या है, उस मूवमेंट का भी फायदा उठाना है। लेकिन उस मूवमेंट में भी लाइन और लेंथ बेहतर होनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मूवमेंट मिल रही है लेकिन अगर आप ज़्यादा ही बाहर रख रहे हैं तो शायद वो वाइड चली जाए, या फिर क्योंकि शुरू का फेस है तो फील्डर्स अंदर है तो सर के ऊपर से वो बॉल जो है पॉइंट्स के ऊपर से भी कहीं ना कहीं निकाली जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर जरूर रखना है, लेकिन एज के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। खैर, उसके बाद उनका एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि रोहित पुड़ैल को इस टीम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से उनको इस टीम को हैंडल करना चाहिए। इस चीज पर डेफिनेटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर जब आएगा, जब हम टीम की स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब चीज़ों पर बात करेंगे, स्क्वाड आ जाएगी एक बार, तब इसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, तब और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि क्या कुछ लिया गया है स्क्वाड में, क्योंकि उसके बाद ही पता चल पाएगा ना कि आखिर टीम में क्या कुछ लिया गया। फिर रोहित पुड़ैल के बारे में बात जरूर करेंगे कि किस तरह से उस टीम को वो आगे बढ़ा सकते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। एक लास्ट क्वेश्चन है एनिमी वर्ल्ड का कि नेपाल को आप फुल मेंबर के रास्ते में अगर आप देख रहे हैं तो अभी कितना वक्त है और लंबा? तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी सा आंसर है, हमने बहुत सारे लोगों के मैसेज में भी ये जवाब दिया था और वही हम वहाँ पर रिपीट करेंगे, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। डेफिनेटली टीम जो है अभी फिलहाल की रेस में काफ़ी अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है, अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस और बाकी हैं, और वो चैलेंजेस तो चलिए दूर की बात है, वो सब अलग बात
बात है, लेकिन क्रिटेरियाज की जहाँ तक बात है, आप देखिए वुमेन्स क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो वो भी क्रिटेरिया को कम्प्लीट करना है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेंस जीतते रहे सब कुछ खेलते रहे तो आप गोल्ड मेंबर बन जाएंगे अगले चार साल में, बिल्कुल भी नहीं सर। आपको अंडर 19 में काम करना है, आपको अपने डोमेस्टिक में दो तीन अलग अलग टूर्नामेंट्स कराने हैं, आपको 40 ओवर का 50 ओवर का अलग अलग टूर्नामेंट्स रखवाने हैं डोमेस्टिक में, उसके बाद आपको अपनी ए साइड क्रिएट करनी है, लार्ज प्लेयर ऑफ पुल्स रखना, प्लेयर ऑफ पुल्स तो चलिए बहुत सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए साइड टीम की है नहीं, उसके बाद आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, ग्राउंड बेहतर करने हैं, फैसिलिटीज बेहतर करनी है, और मिनिमम मेरे ख्याल से एक ग्राउंड और हो तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद कई सारे क्रिकेट वुमेन्स का आप देखिए, मेरे जितना वुमेन्स क्रिकेट उतना फॉलो तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमारे सामने आया था कि शायद लगभग एक आध साल हो गया है, बिल्कुल जी हाँ, जो मैच खेला है जब युगांडा के खिलाफ मेरे ख्याल से वुमेन्स ने खेला था एक मैच, उसके बाद से कोई मैच नहीं खेला और अब जाकर कहीं ना कहीं वो मैच खेलने वाले हैं, तो बहुत सारे क्रिटेरियाज कंप्लीट करने अभी काफी वक्त लगेगा और वो जो रेस में है अभी काफी दूर है टीम डेफिनेटली, लेकिन यही है कि अगर अभी तो आपको ध्यान हर तरफ देना है। बिल्कुल अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जो सीनियर टीम है वही अच्छा करती रहे तो क्या फुल मेंबर मिल जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अंडर 19 हो, वुमेन्स हो, स्टेडियम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो, ये और फुल मेंबर्स को मैचेस हराना जरूर, मैचेस हराना तो दूर की बात, टीम खेल ही नहीं रही है फुल मेंबर्स के खिलाफ, अगर आप खेलेंगे नहीं तो वो क्राइटेरिया भी कैसे कंप्लीट होगा। तो कल आपको खेल हमने आपसे आपको बताया कि दो तीन मरतबा जी हाँ जरूर होना चाहिए कम से कम साल में, पूरे साल की बात कर रहे हैं क्योंकि अब 2023 में कुछ रास्ते हैं जो काफी खुल गए हैं फुल मेंबर से बात करने के लिए, और तो साल में अगर दो तीन मरतबा अगर आप खेलते हैं, दो मान के चलिए दो वनडे खेल लिए या तीन T20 आई खेल लिए खाली, तो काफी बेहतर है। दो साल में 50 बार खेलना वो नामुमकिन है, पर दो तीन मरतबा खेलना वो तो मुमकिन सा लगता है अगर कोशिश करें तो। बिल्कुल कोशिश किया जाए, और सबसे बस वही है कि आप सोचिए हमने आपको बताया भी था कि ओडीआई T20 मिलाकर अब तक नेपाल जो है फुल मेंबर सिर्फ 5 मैच खेला है, तो आप जब खेलेंगे ही नहीं तो वो क्रिटेरिया तो कब का कंप्लीट होगा कब, क्योंकि आपको फुल मेंबर्स को भी हराना है जरूर, वो जाके क्रिटेरिया कंप्लीट होगा, तो ये देखने वाली बात जरूर है। तो अभी काफी लंबा वक्त है नेपाल को फुल मेंबरशिप बनने के लिए, सिर्फ सीनियर टीम से नहीं, आपको अंडर 19 वुमेन सब पे बराबर ध्यान देना है, ग्राउंड फैसिलिटी उसके बाद डोमेस्टिक वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीजों पे ध्यान देना है, तब जाकर कहीं ना कहीं फिर क्रिटेरिया फुल मेंबर्स को हराकर कंप्लीट कर वर्ल्ड कप्स वगैरह खेल कर फिर जाकर आपकी एक अच्छी खासी फाइल तैयार जरूर, जो जाकर आप फिर प्रपोजल आईसीसी के सामने रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद है कि आप दोनों का आंसर्स जो है वो मिल गए होंगे, बने रहिए और आज दिल्ली क्रिकेट इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर कभी किसी और दिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले कोशिश करेंगे, गारंटी दे सकते हैं कोशिश करेंगे कि उससे पहले काफी सारे वीडियोस वगैरह बनाने हैं, काफी सारी डिस्कशंस करनी है, तो वहां पर शायद टाइम ना मिले, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद डेफिनेटली एक और बार फिर से आप दिल्ली क्रिकेट वापस जरूर लेकर आएंगे, खास करके इमर्जिंग कप से पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना।